मैं मावळ को स्वराज्य दूंगा। ये स्वराज्य वराज्य से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं भला, मेरे बांदल भले। आपके इसी स्वार्थ ने बर्बाद किया है महाराज। सो फाइनली दोस्तों, मराठी फिल्म इंडस्ट्री की अभी तक की सबसे धमाकेदार फिल्म हर हर महादेव का ट्रेलर आउट हो चुका है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म के ट्रेलर को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों इसके पहले मैंने इस फिल्म के टीजर का भी रिव्यू किया था, जिसमें कि आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर देखने में काफी धमाकेदार लग रहा है। जी हां दोस्तों, चाहे बात हो इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की या फिर इस फिल्म के एक्शन की, ट्रेलर में सब कुछ बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। और दोस्तों इस फिल्म के डायलॉग भी गूज़बम्प्स भरे हैं, जो कि ऑडियंस को काफी पसंद भी आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी फिल्म हर हर महादेव के ट्रेलर को देख चुके हैं, जानना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म हर हर महादेव को डायरेक्टर अभिजीत देशपांडे के डायरेक्शन में बनाया गया, जिसके लीड रोल में आपको सुवेद भावे, शरद केलकर जैसे बड़े कलाकार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म में आपको एक्टर सुवेद भावे ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर में दिखाई देंगे। और दोस्तों इस फिल्म में आपको शरद केलकर ऐसे बाजी प्रभु देशपांडे के किरदार में दिखाई देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को 24 अक्टूबर 2022 को दिवाली के मौके पर इंडियन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का क्लेश बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्म जो कि राम सेतु और थैंक गॉड के साथ होने वाला है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी ये फिल्म अच्छी कमाई करने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म में आपको सुबोध भावे और शरद केलकर दोनों की धमाकेदार एक्टिंग देखने को मिल रही है, जिसने कि इस फिल्म के ट्रेलर में जान डाल दी। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म में आपको उन 300 सैनिकों की कहानी को दिखाया जाएगा, जो कि बाजी प्रभु देशपांडे के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे थे। और दोस्तों आपको बता दें कि मात्र इन 300 सैनिकों ने नहीं, लगभग दुश्मन सेना के 12,000 सैनिकों को मार गिराया था और जीत हासिल की थी। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को जी स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया। दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है और आपको क्या लगता है ये पहली मराठी पैन इंडिया मूवी आते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देगी और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ देगी? आपकी राय में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस ज्ञान को।